जब संजय दत्त ने रिवील किया था कि किस तरह माधुरी दीक्षित ने उनसे फिल्म की आधी शूट खत्म होने के बाद से ही बात करना बंद कर दिया था। ये बात सभी जानते हैं कि किस तरह माधुरी दीक्षित और संजय दत्त बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट सिजलिंग केमिस्ट्रीज में से एक रहे थे। इनकी जोड़ी भी वाकई कमाल की थी, लेकिन बाद में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में माने जाने वाले माधुरी और संजय का भी एक बहुत ही बुरा ब्रेकअप रहा था। और आज हमारे हाथ संजय दत्त का 1999 से एक पुराना इंटरव्यू लगा है, जहां संजय दत्त माधुरी के बारे में ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो बॉलीवुड की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस और डांसर है। लेकिन इसी के साथ संजय दत्त ने यह भी कहा कि किस तरह माधुरी ने उनसे फिल्म महानता की शूटिंग के दौरान ही बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया और इसी की वजह से उनकी ये फिल्म फ्लॉप रही। अपने बयान में संजय ने कहा, माधुरी दीक्षित एक बहुत ही अच्छी इंसान है, वो हमारी बेस्ट डांसर है और मुझे ये बात मालूम है कि उसकी और मेरी केमिस्ट्री भी जबरदस्त है। भले ही हम बॉलीवुड के बाकी एक्टर्स जैसे कि धर्मेंद्र, हेमा मालिनी या अमिताभ बच्चन, रेखा की तरह ना हो, और ये इसलिए है कि इन एक्टर्स ने एक साथ बहुत सारी फिल्में की हैं। जैसे ही संजय दत्त ने ये बात कही, इसके बाद उन्होंने तुरंत ही कहा, माधुरी और मैंने साथ में बहुत सारी मैजिकल फिल्में दी हैं, साजन, साहिबान, खलनायक, लेकिन हमारी आखिरी फिल्म महानता में चीजें सही नहीं थी। माधुरी ने मुझसे बीच में ही बात करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ भी ठीक नहीं था और नतीजा ये रहा कि फिल्म बहुत ही डिजास्ट्रस थी, क्योंकि हम दोनों ने ही स्ट्रेस में काम किया था। आपको बता दें कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की इतने सालों बाद आखिरी फिल्म रही करण जौहर की कलंक। भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही हो, लेकिन फिर भी फैंस ने इन दोनों को इतने सालों बाद फिल्म के हर इवेंट पर साथ देकर काफी एंजॉय किया। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।